भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रदेश उपाध्यक्ष और माइक्रो डोनेशन के इंदौर संभाग के प्रभारी गंगा पांडे का मंडल सेगावा में प्रथम आगमन हुआ है। सर्वप्रथम पांडे ने प्रसिद्ध देवी श्री लालबाई फूलबाई माताजी मंदिर पहुंचकर माताजी की पूजा अर्चना कर आशीर्वाद लिया। पांडे का सचिन पाठक और युवा मोर्चा मंडल द्वारा मंच लगाकर गुलाब के फूलों से भव्य स्वागत किया गया। वहीं भगवती रेस्टोरेंट एवं बस स्टैंड पर पराग पालीवाल और गजेंद्र पटेल मित्र मंडल द्वारा पुष्पहारों स्वागत किया गया। इसके बाद मंदिर में पंचायत से गांव तक पैदल यात्रा तय की गई। पंचायत परिसर में सभा का आयोजन किया गया जिसमें माइक्रो डोनेशन के लेकर प्रदेश उपाध्यक्ष पांडे ने विस्तार से संबोधित किया। से गांव से संजय जायसवाल की रिपोर्ट। सभी को मैं प्रणाम और राम राम और युवाओं को भी राम राम और बुजुर्गों को प्रणाम। जैसा कि भाई साहब अपना काम काज में बैठे, चूंकि अपन ज्यादा ना समय लेते हुए क्योंकि आगे भी जाना है भाई साहब को, तो वैसे अपना काम काज सबसे पहले सचिन जी अपन माइक्रो डोनेशन का जो कार्यक्रम है उसमें अपन ने क्या तय करा है। करते थे दूसरी पार्टियों के हमारे मित्र बोला करते थे कि मंदिर वही बनाएंगे मगर तारीख नहीं बताएंगे, और हमारे प्रधानमंत्री जी ने ये साबित करके बताया कि हम मंदिर भी वही बनाएंगे और तारीख भी हम ही बताएंगे। आप सभी को बहुत अच्छे से जानकारी है कि आप और हमारे कई सारे पूर्वजों के सर लग गए और कई सारे लोग शहीद हो गए, तब जाके उस मंदिर के निर्माण की प्रक्रिया में हम लोग पूरी कर पाए। ऐसे प्रधानमंत्री, ऐसे यशस्वी प्रधानमंत्री जिनको आजकल लोग युग पुरुष के नाम से भी जानते हैं, कई सारे बड़े बड़े बुद्धिजीवी द्वारा जो उनको युग पुरुष में उपाधि दी गई है, तो उनका अगला लक्ष्य जो है आजादी के 100वें वर्ष में भारत माँ को परम वैभव पर पहुंचाने का। आप बजट के ऊपर ध्यान दोगे तो आप लोग अच्छे से ध्यान देते होंगे, जब भी पेपर खोलते थे हम बजट के अगले दिन तो इधर जूते का, इधर घड़ी का, इधर अलमारी का और इस तरह के फोटो लगते थे कि ये बढ़ गया, ये घट गया, ये हो गया, ये वो हो गया। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री एक इस बार नई योजना और नए विकास के खाके को अपने बीच में लेकर आए हैं। उन्होंने बजट बनाया तो 25 वर्षों का ध्यान रखते हो बजट। हम ये बात करते हैं कि हम माँ भारती को परम वैभव पर पहुँचाने का संकल्प लेकर समाज में उतरे हैं, तब आवश्यकता पड़ती है कि हमको करना क्या है। तो मैं आप लोगों का ध्यान अपनी समझ जितनी है उस समझ से एक तरफ आकर्षित करना चाहूंगा। अभी हम लोग आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं, आप सब लोग भी मना रहे होंगे, तो कोई मुझे एक हाथ उठा के खड़ा होकर बताया कि आजादी का अमृत महोत्सव हम लोग क्यों मना रहे हैं, कौन की जिसको जानकारी हो बताए। आज आप किस अभियान के अंतर्गत सेगांव पधारे हैं? भारतीय जनता युवा मोर्चा द्वारा देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की एक ऐप जो जन कल्याणकारी योजनाओं से भरी हुई है और उसमें माइक्रो डोनेशन की भी एक सुविधा दी जा रही है जिससे लोग उससे जुड़ सकें और स्वच्छता, पार्टी फंड और अन्य गतिविधियों में अपनी सहभागिता निश्चित कर सकें, इसको लेकर युवा मोर्चे ने एक अभियान के रूप में पूरे प्रदेश में चलाया है। उसी तारतम्य में आज खरगोन जिले में हम लोग सब साथी ये काम कर रहे हैं। वरिष्ठ लोगों का सम्मान भी किया जाएगा क्या? भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय विष्णुदत्त जी शर्मा की एक बहुत ही अच्छी सोच, जिसमें पार्टी के जो नींव के पत्थर हैं जिन्होंने आज पार्टी को, भारतीय जनता पार्टी को पंचायत से लेकर प्रधानमंत्री तक पहुँचाया है, ऐसे नींव के पत्थरों का सम्मान, उनके चरण स्पर्श करना और युवा मोर्चे के साथी उससे समझ पाएँ और प्रेरणा ले पाएँ कि हम किन मुश्किलों से यहाँ तक पहुँचे हैं, ऐसा एक आदरणीय वीडी भाई साहब ने अभियान करा है, उसके तारतम्य में भी आज हम लोग खरगोन में कमल पुष्प अभियान करेंगे। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।